से यहूदियों की रिहाई सेकंड इतिहास 36 चैप्टर 21 वर्स। यह सब इसलिए हुए कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह में निकला था वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सुना पड़ा रहा तब तक आर्यत 70 वर्ष के पूरे होने तक उसके विश्राम मिला। भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने फारस से 70 वर्षों के बाद यहूदियों की रिहाई के बारे में भविष्यवाणी की थे। यिर्मयाह 16 चैप्टर फ्रॉम 14th वर्स। फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह ना कहा जाएगा, यहोवा को इस्राएलियों को मित्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन को सौगंध, वरन यह कहा जाएगा यहोवा को इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनके बंधुओं कर दिया था छुड़ा से ले आया उसके जीवन को सौगंध, क्योंकि मैं उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आएगा। यहोवा ने कहा वह इसराइल को संसार के बिखरे हुए स्थानों से ले आएगा। यिर्मयाह 32 चैप्टर 37 वर्स। देखो मैं उनके उन सब देशों में जिनमें मैं ने क्रोध और जल जलाहट में आकर उन्हें जबरस निकाला दिया था लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। 44th वर्स। और बिन्यामिन के देश में यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के आर्यक पहाड़ी देश नीचे के देश और दक्षिण देश के नगरे में लोग सब गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिलों को लौटा ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। अदोनाई ने कहा कि यह भूमि इसराइल की है, इसराइल को फिर मिले कानूनी अधिकार खरीदेंगे खेत। यजरा सेकंड चैप्टर 64th वर्स। समस्त मंडली मिलाकर 42,360 की थी, इनके छोड़ इनके साथ 1,337 दास दासियों और 200 गाने वाले और गाने वालियां थी। 42,360 यहूदी लोग फारस से लौटे, 7,000 नमकीन यरूशलेम को भी आई। यजरा सेकंड चैप्टर 12th वर्स। यजरा सेकंड चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड वर्सेस। जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था उनमें में प्रांत के जो लोग बंधु आई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौट गए थे हाय ते जेरुबाबेल यीशु नहेमिया सराया रेलाया मोर्दकई बिलशान मिस्पर बिगावे रहूम और बना के साथ आए। पारस से यहूदियों की रिहाई। धन्यवाद।